तेरे प्यार का मोहन, तेरे प्यार का भर दे
कर्मेंद्रियों पर ज्ञानेंद्रियों का प्रभुत्व, दोनों हाथ जोड़कर जिस दिन पूरी तरह दंडवत कर जाओगे ना मन से। इन्होंने कहा ना, राम नहीं हूं मैं, कृष्ण भी नहीं, बुद्ध महावीर तो बिल्कुल नहीं, लगता हूं क्या ऐसे बुद्ध महावीर तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि महावीर कभी मुस्कुराए नहीं और मैं हमेशा मुस्कुराता रहता। महावीर मुस्कुराना जाने ही नहीं, त्याग को जीवन बना दिया, त्याग मतलब सब छोड़ दो, ये कोई जीवन नहीं, सब छोड़ दो, क्या छोड़ दो, मन से छोड़ दो, सब जियो, मन से बिलग रहकर सब जियो। शिव तत्व है, शिव चेतना है, शिव ज्ञान है। तो राम ने दीक्षा करी, पूर्ण हो गए, कब तक, जब तक पूर्ण ना हो जाए। कृष्ण ने दीक्षा करी, पूर्ण हुए, कब तक, 108 बार दीक्षा दी, एक गुरु ने 108 दीक्षा दी। और मैं कहता हूं दीक्षाओं का कहीं अंत नहीं, अनंत दीक्षा। और मैं व्यासपीठ में हूं तो झूठा बोलता है, दीक्षाओं का कहीं अंत नहीं, और कोई एक शिष्य एक दीक्षा से ही पूरा होता है। जब भी मैं कहता हूं दीक्षा तो पूरा करने के लिए, लेकिन तुम अहम भाव में नहीं हो, तुम धन्यता में नहीं हो, तुम अपने आप में नहीं हो, तुम श्रद्धा विश्वास से पूर्ण नहीं हो, तुम हाथ जोड़ विनीत करते हुए शिष्य नहीं हो, तुम दंडवत नहीं हो, तुम समर्पण में नहीं हो, इसलिए वह दीक्षा तुम्हें पूर्ण नहीं कर पाती। जब भी मैं देता हूं पूरा देता हूं, और जब भी मैं दूंगा पूरा दूंगा, और एक ही दीक्षा से पूर्णता प्राप्त हो जाती है। लौकिक उदाहरण ले लो, तुम माचिस की तीली लेते हो, घिसते हो, एक बार में नहीं जलता तो हताश होते हो, निराश होते हो, उदास होते हो, नहीं, तुम पुनः घसते हो कि दिया जला के रहूंगा, दिया जला के ही रहूंगा। और माचिस की तीली आप घसते रहते हो, एक बार, दो बार, दस बार, और जब तक जल नहीं जाता, और अगर न जले तो गुस्से में उसे फेंक देते हो, पत्नी को फटका लगाते हो, क्या माचिस रखी हो, दिया जलाना है, गुस्सा आता नहीं आता, दिया जलाना है। और नई पत्नी तो स्वयं में फटकार मारते, क्या यार माचिस जलता नहीं। यानी इतना प्रयास एक दिया जलाने में घर्षण करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन और फास्फोरस का घर्षण है। ऑक्सीजन गुरु है, फास्फोरस शिष्य है, घर्षण हो जाए कुछ हवा में, घर्षण करो। और अगर तुम घर्षण करो, वादा करता हूं जले तो कभी नहीं, बुझोगे भी कभी नहीं, पर जला जरूर दूंगा। जले ही नहीं, बुझोगे क्या। और वादा करता हूं अगर तुम घर्षण कर जाओ, उतारू हो जाओ, उत्सर्ग करने की भावना में आ जाओ, फलाप कर दूंगा और मेरे सिवा कोई दिखाई न दे। धरती पे चलो तो धरती में कण कण में दिखाई देना चाहिए, ऐसा तो करना पड़ेगा, देखो ऐसी भावना में आना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम हो जाओ, अगर तुम चाहते हो तुम जो हो, परिचय अपने स्वरूप का, अपने स्व का, अगर तुम चाहते हो सुख शांति और समृद्धि आत्मा का, परमात्मा का, तुमने समृद्धि धन को, यश को, मान को, पद को, प्रतिष्ठा को माना ना, मैंने नहीं माना, मैंने समृद्धि जब भी माना आत्मा परमात्मा को, और तुमको जब भी मैंने कहा आशीर्वाद देता हूं समृद्धशाली बन जाओ, तो इसका मतलब आत्मवान बन जाओ। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, कमल, ब्रह्मवाणी में भी उल्लेख है, कमल जीव जब सिर्फ मुझ सर्व को चाहता है, जीव जब सिर्फ सब नहीं चाहता, सब नहीं, धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, ये जीव, जीव की प्रकृति है, जीव इसी में संलग्न है, जीव इसी को, इसी से अपने आप को पूर्ण करना चाह लेता है, जीव इसी से अपने आप को खुश कर देना चाहता है। नहीं कमल, इससे जीव पूर्ण कभी नहीं हुआ, हर जीव जानता है, इससे जीव कभी पूर्ण होगा नहीं, हर जीव जानता है। इतना समझदार तो जीव है, पढ़ा लिखा है। ये पूर्ण कर ही नहीं सकता, और जीव की यही प्रकृति बन गई है, सब नहीं, सर्व की चारक हो, सूत्र है,
इस शिवरात्रि पर अपने चित्त में धसा लो, सबकी चाहत छोड़ो, सब धन यश मान पद प्रतिष्ठा पति पत्नी बेटे बेटियां सगे संबंधी रिश्ते इन सब की चाहत छोड़ दो, सिर्फ सर्व की चाहत रखो। जो सिर्फ सर्व की चाहत कमल, जो सिर्फ सर्व की चाहत रखता है उसे सब मिल जाता है। और तुम क्या करते हो, सब की चाहत रखते हो, उसके पास हाथ जोड़े बैठे रहते हो, सब मिलता चला जाता है, सब मिलता चला जाता है। मजे की बात, सब मिला है, सब मिलता भी जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, तृप्ति नहीं मिल रहा है, संतोष नहीं मिल रहा है, अपना स्व शिव आनंद प्रकट नहीं हो रहा है। धिक्कार है ऐसी शिष्यता पर, शिष्यत्व का बोध ना हो जाए। धिक्कार है ऐसी शिष्यता पर कि आंखें बंद ना हो जाए। धिक्कार है ऐसी शिष्यता पर कि अपने राम से मुलाकात ना हो जाए। धिक्कार है ऐसी शिष्यता पर कि अपने आप में ना हो जाए। और मैं चाहता हूं कि धिक्कार पूर्ण जिंदगी होना, मैं चाहता हूं अमरता से पूर्ण जीवन हो, मैं चाहता हूं अमृत से भरपूर जीवन, मैं चाहता हूं अपने आप में एक छलकता मस्त जीवन। और ये तब होगा जब आपके नाभि में अमृत होगा, ये तब होगा जब अपने आप में आप हो जाओगे, ये तब होगा जब आपके नाभि में पूरी तरह अमृत छलक जाएगा। और मैं चाहता हूं छलके, नाभि का अमृत सूख रहा है, 10 साल के 15 साल के 20-50 साल के हो गए सूखते चले जा रहे हो, और 60 साल डर लगता है गुरु को भी कि पता नहीं 61 साल जिंदा रहेगा या नहीं। और मैं चाहता हूं कि तुम 60 साल के हो गए हो तो तुम अपने नाभि के अमृत को छलका, नाभि का अमृत भरेगा तो तुम्हें काल भी मार नहीं सके। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे नाभि में अमृत है, जो रावण के नाभि में अमृत है तो मरा नहीं, अपयशपूर्ण प्रवृत्ति के कारण अपयश प्राप्त हुआ जरूर, लेकिन मरा नहीं, मर सका नहीं, मर सकेगा भी नहीं। सदियां बीत गई, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन रावण का नाम लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गुरु रूप में शिव ने अमृत भर दिया। मैं तो वही कह रहा हूं, गुरु रूप में शिव ने, उसने शिव की उपासना गुरु रूप में कर दी, संपूर्णता के साथ शिव को प्रत्यक्ष कर दिया, स्वयं के अमृत को चैतन्य कर दिया, नाभि का अमृत अपने आप में छलका दिया। अरे देवी देवता जिनसे तुम भीख मांगते रहते हो सब उसके चेरी बन गए, लक्ष्मी उसकी चेरी नहीं करते, देवी देवता जहां झाड़ू बारू करते हो, देवी देवता जिसके इशारों पर चलते हो, इतनी शक्ति इतनी क्षमता शिव तत्व तो गुरु रूप में आत्मसात करने के बाद एक जीव को प्राप्त हो जाती है। और मैं चाहता हूं कि आप सबका अमृत घट अपने आप में छलक जाए। आप क्या चाहते हो? और आज ही छलकाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सबका अमृत घट, क्योंकि अभी मैंने आपको पूर्ण किया, जितने तत्वों को मैंने आपको समझाया ये मैंने कथा नहीं कही, क्षिति जल पावक गगन समीरा ये सारे तत्व आप में मैं चैतन्य करना चाहता हूं, क्योंकि ये सारे तत्व आप में चैतन्य हो जाएंगे तो आप बैठे नहीं रहेंगे, आप उठ जाएंगे, आप खड़े हो जाएंगे, आप चल पड़ेंगे, दैदिप्यमान बन जाएंगे, आप अपने आप में संपूर्णता के साथ आप चैतन्य होकर उस चैतन्य से मुलाकात कर लेंगे, स्वयं में सुख शांति समृद्धि से पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा हो सके, ऐसा होगा भी, इतने तेवर के साथ इतने जुनून के साथ आप उच्च कोर की अमृत चैतन्य करने की भावना आपने नाभि में तैयार हो जाए, कल नहीं आज अभी इसी वक्त मैं आप सबको ऐसी उच्च कोर की दीक्षा दे रहा हूं जिससे सारे तत्व तो आप में जागृत होकर अमृत रस छलक पड़े आपकी नाभि में, जिससे आप कभी नाम आ सको मेरे नाम रूप से, उस ईश्वर के नाम रूप से, परमात्मा के नाम रूप से, पता चले सदियां गवाह रहे कि किसी का पुत्र था, सदियां गवाह रहे कि किसी का शिष्य था, सदियां गवाह रहे कि कोई था, मेरे पिताजी का नाम श्री हरिहरनाथ शुक्ला, मेरे दादाजी का नाम श्री नरपति शुक्ला, दादाजी के पिताजी का नाम मुझे मालूम नहीं, तुम्हें मालूम है क्या? और उनके दादा का तो तुम्हें भी नहीं मालूम होगा, मर गए, मैं मरना नहीं चाहता। राम जी के पिताजी का नाम दशरथ,
दशरथ के पिता का नाम अज। अच्छा अज के पिता का क्या नाम था? मर गए। मैं नहीं चाहता तुम मरो। मृत्युदय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जब मृत्यु जरा व्याधि प्रीतम का अनुबंधन है। अभी आपने प्रवचन सुना शिव शक्ति महोत्सव मृत्युंजय काल में साधना दीक्षा का जो सार है, जीवन का जो सार है, जिससे हमारा जीवन अपने आप समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो, आनंद से युक्त हो सके। प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति इससे भयभीत भी रहता है। मृत्यु के इस भय से मुक्त होने के लिए हम भगवान सदाशिव की उपासना करते हैं। मृत्युंजय स्वरूप भगवान सदाशिव का। मृत्यु है तो अमृत्यु भी है, हमें ये चिंतन करना चाहिए। मृत्यु सुनिश्चित है तो हमारे जीवन में अमृत्यु अमृत तत्व भी सुनिश्चित है। क्या हम उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं? अगर हाँ, मृत्युंजय कालदेय साधना के माध्यम से हम मृत्यु से पार परे हो सकते हैं। काल मतलब होता है समय, काल मतलब होता है काल। समय विशेष में आप दुखी चिंतित परेशान रोगग्रस्त होते हैं, समय विशेष में आप अत्यंत पीड़ाओं से भी गुजरते हैं। काल के इन पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए, काल पर जय करने के लिए मृत्युंजय कालदेय साधना सिद्धि दीक्षा है। आप इस दीक्षा को प्राप्त करें जिससे मृत्यु के भय से आप मुक्त हो सके, काल पर आप जय कर सके। जब आपके जीवन में दुख के क्षण आए और इससे आप मुक्त होना चाहें तो मृत्युंजय कालदेय साधना आप अपने जीवन में एक बार अवश्य करें। जीवन के चार सांसारिक आर्य सत्य है, जन्म जरा रोग और मृत्यु। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म होता है, फिर वो वृद्धावस्था को भी प्राप्त करता है, फिर वो रोगग्रस्त भी होता है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः सांसारिक जीव जन्म जरा रोग और मृत्यु से ही गुजर जाता है और वह जीवन के उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता जिसके लिए उसका जन्म हुआ होता है। क्या इन्हीं चार आर्य सत्यों को से गुजरते हुए आप अपने आप को समाप्त कर देंगे? या आपने जन्म लिया है तो जन्म से मुक्त भी होना चाहेंगे। अगर आप रोगग्रस्त हैं तो रोग से मुक्त होना चाहेंगे और अंततः मृत्यु आपकी सुनिश्चित है और इस मृत्यु से भी पार होना चाहेंगे, मुक्त होना चाहेंगे। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन, इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम, एकमात्र मृत्युंजय महादेव की शरण लेने से ही आप इन समस्त प्रकार के सांसारिक चार आर्य सत्यों से मुक्त तो जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। मृत्युंजय कालदेय साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय है। एकमात्र ऐसी दीक्षा है जो जीते जी साधक को शिष्य को मोक्ष प्रदान करता है, यानी मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद भी। अगर हम मृत्युंजय कालदेय साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त करके इस साधना को करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मृत्यु के पूर्व का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन दोनों जीवन सवर जाता है और दोनों जीवन में हम उस शिवत्व को प्राप्त करते हैं, उस सुखानंद को प्राप्त करते हैं, उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ होता है। आओ चले जीवन के इस मूर्तम रहस्य की ओर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने के लिए, जन्म जरा रोग और मृत्यु से पार और परे हो जाने के लिए मृत्युंजय कालदेय साधना सिद्धि दीक्षा आपके जीवन के लिए सौभाग्य है। आप घर बैठे साधना सिद्धि दीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मृत्युंजय कालदेय साधना सिद्धि दीक्षा
आप प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क करें, आप इन नंबरों पे कॉल करें और कॉल करके मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा का मंत्र सिद्ध चैतन्य साधना सामग्री प्राप्त करें। मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आपको मैं शक्तिपात के रूप में प्रदान करूंगा और फिर आप इस साधना को करेंगे तो निश्चित ही जन्म जरा रोग और मृत्यु से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त तनाव से मुक्त हो सकेंगे और जीवन में वो हम प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए आपका जीवन आपको मिला है, वह आनंदयुक्त जीवन आप प्राप्त कर सकें, जन्म जरा रोग और मृत्यु से आप मुक्त हो सकें, अपने जन्म को संवार सकें और मृत्यु के बाद भी आप अपने जीवन में आनंद मना सकें, उस परम प्रभु में आप लीन हो सके। ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चोड़, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय एक चम्मच चूर्ण एक ग्लास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं, फिर देखिए चमत्कार। वर्षों की कड़ी मेहनत और शोधों के बाद दिब्रिसि फार्मेसी आपके लिए लाए हैं एक आयुर्वेदिक शैम्पू केशों से का, जो रखे आपके बालों का ख्याल माँ जैसा। अब आपके नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध। तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्र विद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। संपर्क कार्यालय ध्यान जन जागृति सेवा संस्थान ह्यूमन वेलफेयर एजुकेशन फाउंडेशन 003 ओम प्रथमेश आस्था समर्थ नगर समर्थ विद्यालय बदलापुर ईस्ट 421503। हमारा वेबसाइट है www.dhyanyog.org.in। हमारा ईमेल आईडी है service@dhyanyog.org.in। मोबाइल नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।